हेलो फ्रेंड, कैसे हूँ? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। फाइनली ओप्पो ने अपना एक और नया स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 10 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ मोटो का एक पॉपुलर स्मार्टफोन मोटो का H40, इन दोनों स्मार्टफोन का अगर प्राइस की बात करी जाए तो ओप्पो रेनो 10 5G को 32,999 रुपये के प्राइस में 8GB की रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाय कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ मोटो के H40 को 29,999 रुपये के प्राइस में 8GB की रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 3000 पीस का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 3000 पीस ज्यादा खर्च करके ओप्पो रेनो 10 5G को लेना सही रहेगा या फिर 3000 पीस कम खर्च करके मोटो के H40 को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वैसे तो ओप्पो रेनो 10 5G का प्राइस 3000 रुपए ज्यादा है, फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर परफॉर्मेंस के मामले में तो मोटो के H40 से पीछे रह जाता है, क्योंकि मोटो के H40 में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8020 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ ओप्पो रेनो 10 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7050 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन से आप लोगों को मोटो के H40 में काफी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वही दोनों स्मार्टफोन के अगर अंतु स्कोर की बात करी जाए तो उसमें भी क्लियर विनर निकल के आता है मोटो का H40, क्योंकि मोटो के H40 का जो अंतु स्कोर निकल के आता है वो 6,75,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ ओप्पो रेनो 10 5G का जो अंतु स्कोर निकल के आता है वो सिर्फ 5 लाख से ही निकल आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो मोटो के H40 का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4900 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ ओप्पो रेनो 10 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो सिर्फ 3400 ही निकल के आता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन में कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। ओप्पो रेनो 10 5G में 6.7 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले आप लोगों को कर्व देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो के H40 में 6.55 इंच की फुल HD प्लस POLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले आप लोगों को कर्व देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के अगर ब्राइटनेस लेवल की बात करी जाए तो उसमें तो मोटो का H40 काफी ज्यादा बेस्ट आता है, क्योंकि मोटो के H40 की डिस्प्ले 1200 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जबकि ओप्पो रेनो 10 5G में सिर्फ 950 निट्स की ही ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन में एक्सीलेंट कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। एक तरफ मोटो के H40 में काफी कम अपर्चर वाला कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, तो दूसरी तरफ ओप्पो रेनो 10 5G में ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर f1.47 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ ओप्पो रेनो 10 5G के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर f1.7 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 8+32 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन को जो रियल लाइफ की पिक्चर क्वालिटी निकल के आती है वो दोनों स्मार्टफोन में काफी ज्यादा बेटर निकल के आती है। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो सेल्फी के मामले में दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल एक जैसे, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन में एक जैसा मेगापिक्सल वाला एक ही अपर्चर का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। मोटो के H40 में भी 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर f2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ ओप्पो रेनो 10 5G में भी 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर f2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर स्टोरेज टाइप की बात करी जाए तो उसमें तो मोटो का H40 काफी ज्यादा फास्ट भी आता है, क्योंकि मोटो के H40 में UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है, जबकि ओप्पो रेनो 10 5G में UFS 2.2 का ही स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर ऑडियो फीचर की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी मोटो
फोटो के H40 में डॉल्बी एटमॉस देखने को मिल जाता है, जबकि ओप्पो रेनो 10 5G में डॉल्बी एटमॉस देखने को नहीं मिलता है। बैटरी सेगमेंट का अगर बात करी जाए तो बैटरी के मामले में तो बेस्ट भी आता है ओप्पो रेनो 10 5G, क्योंकि ओप्पो रेनो 10 5G 5000mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, 67W के सुपर वोक चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो के H40 में 4400mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 68W के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर की अगर बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है, अगर आप लोग स्मार्टफोन से गेमिंग कम करते हो, एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, वो भी कर्व डिस्प्ले वाला बिग बैटरी के साथ, तो आप लोगों को ओप्पो रेनो 10 5G की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आप लोग कम से कम प्राइस में एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो जिसमें गेमिंग के लिए एक अच्छा प्रोसेसर, फोटोग्राफी के लिए एक अच्छा कैमरा सेट देखने को मिल जाए, बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिल जाए, डिस्प्ले आप लोगों को कर्व देखने को मिल जाए, तो 30,000 रुपए से कम के प्राइस में मोटो का H40 वन ऑफ द बेस्ट है। वैसे तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 30,000 रुपए से कम के प्राइस में मोटो के H40 को ही बाय करें।